नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड एंड अंडरस्टैंड अ स्टोरी ऑफ अ फियरलेस एंड अ ब्रेव क्वीन, रानी कर्णावती, हु वॉज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ चित्तौड़। लॉन्ग टाइम बैक द सिटी ऑफ चित्तौड़गढ़ राजस्थान वॉज रूल्ड बाय अ रीजेंट क्वीन, रानी कर्णावती। So the meaning of the word regent mean is a replaced ruler, that is a person, एक ऐसा इंसान जो खुद king या queen नहीं है, but वो king या किसी queen के powers use करके किसी administration को run करता है किस कुछ period के लिए, for a fixed period. So yes, Rani Karnavati was not a real queen, but she was a regent queen, but she acted like one of her best. She got married to Rana Sangram, who was also known as Rana Sangha, and they both had two kids. They were Rana Vikramaditya and Uday Singh too. Earlier, Rani Karnavati was the princess of Bundi. ओके, सो महारानी बनने से पहले वो रानी थी एक प्लेस की, विच इज़ एन अगेन इन राजस्थान, वो बूंदी की प्रिंसेस थी। एंड आफ्टर शी गॉट मैरिड टू राणा संग्राम और राणा सांगा, शी बिकेम अ रीजेंट क्वीन, ओके, ऑफ चित्तौड़गढ़। एंड दे बोथ हैड टू सन्स, उनके दो बेटे थे, वन द फर्स्ट सन विक्रमादित्य एंड अ सेकेंड सन राणा उदय सिंह टू। राणा सांगा हैड द अदर वाइव्स, ओके, नाउ राणा सांगा ऑल्सो हैड अदर वाइव्स, रानी कुंवर बाई सोलंकी एंड रानी धन कुंवर, रानी कुंवर बाई सोलंकी एंड रानी धन कुंवर, ओके। सो इन टोटल इन द स्टोरी ही हैड थ्री वाइव्स, वन वॉज रानी कर्णावती whose story we are reading, and other than her there were two other ranis of the Chittorgarh, who were Rani Kuvar Bai and Rani Dhan Kuvar. But Rani Karnavati was different from other queens because she had the knowledge of running and administration and kingdom. Okay, why was Rani Karnavati different from रानी कुंवर बाई सोलंकी एंड रानी धन कुंवर? बिकॉज कर्णावती के पास बहुत नॉलेज था, ज्ञान था कि एक एडमिनिस्ट्रेशन को, ओके, किस किस तरह रन किया जाता है, कैसे एक किंगडम को चलाया जाता है, किस तरह रूल किया जाता है, एक लीडर की जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, दोज क्वालिटीज़ वर इन रानी कर्णावती। कर्णावती वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, intelligent and brave. During her reign, she became the pride of Rajput culture. Okay, so Rani Karnavati में of course कुछ highlighted qualities थी, उनकी personality में कुछ traits थे जो उन्हें बाकियों से अलग रखता था. She was out of the box. Okay, she stood different from all others because she was beautiful, she was intelligent. Okay. एंड जब जितने भी रीन के लिए उन्होंने, ओके, रीन इज द रूलिंग पीरियड, जितने भी रीन तक वो एक क्वीन थी, उन्होंने राजपूत कल्चर के प्राइड को बढ़ाया, ओके। बाबर बिकेम द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, ओके। सो मुगल एम्पायर के जो फाउंडर थे, जिन्होंने अपना एम्पायर इंडिया में सेट किया, वो थे बाबर, ओके। एंड ही वॉज द फाउंडर किंग, ही वॉज द फाउंडर एम्परर, फाउंडर मीन्स वो सबसे पहले ऐसे मुगल एम्परर थे जिन्होंने अपना सेटअप इंडिया में किया था। ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। राणा सांगा बिकेम वेरी फ्यूरियस, दैट इज एंग्री, वेन ही अंडरस्टूड दैट बाबर विल नेवर लीव इंडिया, ओके। सो राणा सांगा को बड़ा गुस्सा आया जब उन्हें ये इस बात का पता चला, ये नॉलेज में आया उनके कि अब बाबर अब इंडिया छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, एंड ही इज़ इन इंडिया टू कैप्चर एंड टू रूल। हिज फेस वॉज रेड एंड ही हैड स्टीम कमिंग आउट ऑफ हिज ईयर्स,
सो जस्ट इमेजिन राणा सांगा का चेहरा पूरा गुस्से में लाल हो चुका है एंड ही हैड स्टीम कमिंग आउट ऑफ द ईयर्स, मतलब उनके कान से धुएं छूट रहे हैं, जस्ट लाइक इन अ प्रेशर कुकर व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ स्टीम इनसाइड अ कुकर, ओके, एंड द विसल स्टार्ट्स ब्लोइंग करेक्ट विद द प्रेशर. सो सिमिलरली राणा सांगा का भी यही हाल था जब उन्हें एम्परर बाबर के बारे में पता चला. ही डिसाइडेड टू वेज अ वॉर अगेंस्ट एम्परर बाबर. उन्होंने तय किया कि अब मैं एम्परर बाबर से लड़ूंगा, अब बैटल होगा. अ फेमस बैटल ऑफ खानुआ वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा. सो एक बहुत ही हिस्टोरिक बैटल लड़ी गई थी, हिस्टोरिकली फेमस बैटल, बैटल ऑफ खानुआ, जिसमें राणा सांगा एंड बाबर ने लड़ाई की थी. अनफॉर्चुनेटली राणा सांगा गॉट डिफीटेड. राणा सांगा उस बैटल में हार गए थे एंड लॉस्ट हिज लाइफ. और सिर्फ हारे ही नहीं थे बट उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी खो दी थी. ही लेफ्ट बिहाइंड रानी कर्णावती एज अ विडो. अब राणा सांगा अपनी रानी कर्णावती को और बाकी रानियों को एक विडो बना के, एक विधवा बना के चल बसे थे. शी देन बिकेम द रीजेंट क्वीन ऑफ चित्तौड़गढ़. सो इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टोरी वी सॉ दैट शी वॉज अ रीजेंट क्वीन. तो ये है सारी स्टोरी कि वो एक रीजेंट क्वीन, उनकी जर्नी कैसी रही एक रीजेंट क्वीन बनने की. ओके, सो आफ्टर द किंग राणा सांगा, आफ्टर दिस महाराणा, शी बिकेम अ रीजेंट क्वीन. As a regent queen of the empire, she fulfilled all her duties very well. अब वो एक महारानी बन चुकी थी और इसीलिए उनकी जो भी empire की तरफ जितनी भी duties थी, responsibilities थी, वो सारी fulfill की, मतलब सारी complete किया उन्होंने हमेशा. She guided her stepson. Stepson मतलब सौतेला बेटा. ओके, उन्होंने अपने सौतेले बेटे को ट्रेनिंग दी जिनका नाम था महाराणा रतन सिंह टू, जो कि वो किसके बेटे थे, रानी धन कोवर के. देर वर टू अदर रानीज अपार्ट फ्रॉम रानी कर्णावती. सो उनमें से जो एक रानी थी, रानी धन कोवर, उनके जो बेटे थे महाराणा रतन सिंह टू, सो रानी कर्णावती ने एज अ ड्यूटी, ओके, उन्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी किंग बनने की. Until she was a regent queen. To become the next king of Mewar. However, he died young. Okay? So Maharana Ratan Singh, okay, वो training तो उन्होंने ले ली but for some reason he could not survive. अब Maharana Ratan Singh भी चल बसे थे. Even he died at a very young age. So now again Rani Karnavati, you know, she was all alone. Now we will see what happens.